हेलो एवरीवन, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको फिजिक्स का जो है चैप्टर फर्स्ट लाइट के बारे में बताया था, जो है आपका कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन जो है कैसे होती है। चलिए, हो सकता है कि मुझे जहाँ तक याद है पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा समझा दिए थे, फिगर नहीं बनाए थे, तो देखिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा लास्ट वाला फिगर बनाकर हम आपको समझा देते हैं कनकेव मिरर का जो है कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। सेकंड कंडीशन नहीं बताया था आपको, तो कंडीशन जो है सेकंड, मतलब ऐसे नॉर्मली आपको बता दिए थे, बाई फिगर नहीं समझाए थे, तो देखिए अथवा बाई फिगर समझ लीजिए। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई मतलब कि हमारा कन्वेक्स मिरर है M M डैश, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा पोल है और यहाँ हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अंडरस्टैंड, और यहाँ पे कहीं हमारी ऑर्बिट रखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ए और बी, ये यहाँ से देखिए ये यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये देखिए फोकस से जो है जाती हुई आपको प्रतीत होगी, अंडरस्टैंड। इसके बाद यहाँ से देखिए ये पोल पर पड़ेगी, तो पोल से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के देखिए यहाँ से ये जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो देखिए जो हम जहाँ पर ये हमारी मिल रही है वहीं पर हमारी ईमेल बनेगी, अंडरस्टैंड। तो देखिए कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो हमारा जो है कहाँ पर बनेगा, और जो है सेकंड कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट यदि कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी के अलावा जो है कहीं भी रखा होगा तो पोल और फोकस के बीच बनेगा, जो हमारा नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इसके बाद जो है पोजीशन बिटवीन पी एंड आई, बात समझ में। तो इस तरह जो है इसको हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम क्या समझते हैं, नेक्स्ट जो आज हम जानेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए सबसे पहला जो है इधर हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो देखिए कॉन्केव मिरर का जो हमारा यूज होता है, सेविंग मिरर होता है, सेविंग मिरर जो यूज होता है, या फिर और मॉल मिरर, क्योंकि जो है हमें वर्चुअल इमेज ही होती है इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो है कन्वेक्स का होता है स्ट्रीट लाइट्स या फिर स्ट्रीट लैंप्स,
स्ट्रीट लैंप्स वगैरह में जो है हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, डेंटिस्ट, इसका यूज जो है कॉन्केव मिरर का यूज जो है डेंटिस्ट भी करते हैं इमेज को इलाज दिखाने के लिए, ठीक है। और इसका जो है ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, जो है ऑटोमोबाइल्स में जो है। और इसके बाद इसका आपका देखिए ईयर की, यानी ईयर नोज थ्रोट, मतलब डॉक्टर्स जो है इसका यूज करते हैं। और फिर जो है सर्च लाइट्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे एप्लीकेशन थे कंकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, जिसका हम यूज करते हैं कंकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें जैसे कि आपके व्हीकल्स में जो लगे होते हैं मिरर्स लगे होते हैं, जैसे कि आपका कार के बगल में जो मिरर्स लगे होते हैं उसमें यही मिरर आपका लगा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ही। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे मिरर इक्वेशन के बारे में, कि मिरर इक्वेशन क्या है। तो देखिए मिरर इक्वेशन, तो देखिए मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1 by v plus 1 by u, ठीक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है मिरर इक्वेशन, जहां पर आपका देखिए 1 by फोकल लेंथ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जो है मैग्निफिकेशन जानेंगे, इसके बारे में आगे हम बताते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मिरर इक्वेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन को हम क्या जानते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला होता है HIH, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है जो आपका होता है क्या, m = -v/u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम ये भी पता लगाते हैं कि HIH/HO = -v/u, अंडरस्टैंड, वेयर HIH = height of image
एच ओ इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो है वी इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यू इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो समझ रहे ना, ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जो है हम ध्यान देंगे साइन कन्वेंशन, कि हमारा जो है साइन कब कौन सा कहां पर जो है साइन लगेगा, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो है साइन कन्वेंशन, फर्स्ट आप देखिए एक चीज, क्या हमें ये ध्यान देना है कि जैसे कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, तो कार्टेशियन प्लेन में जो हमारा ये होता है एक्स डैश एक्सिस होता है, और ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो हम यही ध्यान देंगे कि यानी इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड जो साइड में चीजें आ रही हैं वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी, क्योंकि वो एक्स डैश एक्सिस में जाएंगी, और जो राइट साइड की चीजें जा रही हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अंडरस्टैंड? तो यही हमें ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर कॉनकेव मिरर सपोज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, हमने आपको सिक्स कंडीशंस बताई थी, सिक्स कंडीशंस बताई थी जिसमें क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे रखा जाएगा, या तो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, या तो बियॉन्ड सी रखा जाएगा, या तो सी पे रखा जाएगा, या तो सी और एफ के बीच में, या एफ और बी के बीच में। यानी टोटली जो है हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके लेफ्ट साइड, मतलब ये जो मिरर है मिरर के लेफ्ट साइड ही इसकी सारा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रखी जा रही है वो लेफ्ट साइड ही है। तो इससे देखिए जो हमारी ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो ऐसे रखी जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो कि जिसको हम एच ओ से दिखाते हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा ऑलवेज है। क्योंकि क्यों ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, हम हमेशा इसको अपवर्ड में ही रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा सीधी रखी जाएगी। आई बात समझ में? इसके बाद अब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू। यू क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है। और देखिए अगर हम बात करें इसकी भी बात करें, यानी कन्वेक्स मिरर की भी बात करें, तो ध्यान दीजिएगा कि कन्वेक्स मिरर में भी ये यू हमेशा क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड ही रखते हैं। तो देखिए हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए
अब इमेज की हम बात कर लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इसको हम किसे दिखाते हैं, चाय से। अब देखिए यहां पे दो चीजें होती हैं कि इसमें जो हमारी इमेज बनती है पांच कंडीशन में क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब एच आई हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आ रही बात समझ में, रियल एंड इन्वर्टेड। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उल्टा बन रहा है। यहाँ पे निगेटिव क्या दिखा रहा है कि वो नीचे साइड बन रहा है, अंडरस्टैंड। चलिए अब यही अगर हम बात करेंगे कि अब इसकी इसमें जब हम बात करेंगे तो इसमें इमेज की जो साइड वो होती है वो अपसाइड होती है, तो अपसाइड होगी तो इसमें भी क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। यानी एच आई जो है पॉजिटिव भी होता है, कब होता है, जब वर्चुअल और वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक। आई बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। इसके बाद देखिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये भी क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव होती रहती है, क्योंकि यदि इमेज जो है इसी साइड बन रही है जो कि बनती है आपके कंकेव मिरर में, कंकेव मिरर में इमेज क्या होती है, लेफ्ट साइड बनती है, और एक इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, राइट साइड बनती है। तो वहां पे जो है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, बाकी सभी में निगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ निगेटिव होगी फॉर कंकेव मिरर, ठीक है, पॉजिटिव होगी क्योंकि इमेज कहां बनेगी, राइट साइड बनेगी, पॉजिटिव होगी फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई कि कहां पर जो है हमारा पॉजिटिव होना है साइन कन्वेंशन और कहां पे निगेटिव होना है, तो समझ में आ गया बढ़िया से। एप्लीकेशन आपको समझ में आया, मिरर इक्वेशन समझ में आया, साइन कन्वेंशन समझ में आया कि किस चीज से किसको डिनोट करते हैं, ये आपको समझ में आया, ठीक है। देखिए यदि आपको इसमें कोई डाउट होती है या कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से या जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद।